हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चना फ्राई बिना मसाला के। ये झारखंड के हर गांव के बाज़ार में मिलने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन को अच्छी तरह से गर्म कर ले और इसमें तेल डाल दे और तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दे। अब इसमें हरी मिर्च डाल दे और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दे और इसे बस एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर ले। प्याज को ब्राउन होने बिल्कुल मत दे। अब इसमें भिगोया हुआ चना डाल दे एक कप और इसे अच्छी तरह से मिला ले। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे और 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला ले और इसे कवर कर दे और इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक पकने दे। बट आप इसे बीच में एक बार ज़रूर मिला ले। 10 मिनट कम्प्लीट हो चुका है, इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो चना लगभग 80% पक चुका है। इसे हम वापस कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम मिला लेते हैं। अब इसका फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए बस इसे फ्राई कर ले। 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो चना पूरी तरह से पक चुका है। अब इसका फ्लेम बंद कर दे। सिंपल सा चना फ्राई बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।